टी20 वर्ल्ड कप 2021 आपको याद ही होगा, पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला और शाहीन शाह अफरीदी ने आकर फटाफट दो विकेट निकाल लिए थे। केएल राहुल एंड साथ ही साथ रोहित शर्मा को वापस पवेलियन भेजा था और उसके बाद से मोमेंटम हमने खो दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम को बड़ा मैच खेलना है। एशिया कप में 28 तारीख को, इसी महीने 28 तारीख को मैच है, लेकिन उससे ठीक पहले पाकिस्तान की टीम को बड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दें कि उनके बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी हो सकता है कि पहले मैच में इट मे बी पॉसिबल भारत के खिलाफ खेलते हुए नजर ना आए, जो कि उनके घुटने में जो परेशानी है वो अब तक ठीक नहीं हुई है, फिटनेस अब तक उन्होंने 100% नहीं गैदर किया है और ऐसे में माना जा रहा है कि इट मे बी पॉसिबल पाकिस्तान उनको खिलाने का रिस्क ना ले। अभी पाकिस्तान को नेदरलैंड्स के खिलाफ 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने हैं, ये 16 तारीख को, 18 तारीख को और 21 तारीख को खेला जाएगा और उसके बारे में ऑलरेडी बाबर आजम ने कह दिया था कि पहले दोनों एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में तो शाहीन शाह अफरीदी के खेलने के कोई चांसेस हैं नहीं, क्योंकि अभी हम उनको आराम देना चाहते हैं और दो डॉक्टर की जो टीम है वो ऑलरेडी शाहीन शाह अफरीदी के साथ काम कर रही है, ऐसे में नेदरलैंड्स कही है और ऐसे में कहा जा रहा है कि वो इवेल्युएट करेंगी और अगर उनको लगा कि नहीं इनको और आराम की जरूरत है तो इट मे बी पॉसिबल पाकिस्तान की टीम जो 28 तारीख को मैच होगा उसमें शाहीन शाह अफरीदी को आराम दे सकती है, यानी कि नहीं खिला सकती है। डिस्पाइट शाहीन शाह अफरीदी, उनके पास अच्छी खासी गेंदबाजी लाइनअप है, उनके पास हैरिस राउफ अच्छे गेंदबाज हैं, इसके अलावा देखें तो मोहम्मद वसीम भी काफी अच्छे गेंदबाज हैं, दहानी उनके पास काफी अच्छे गेंदबाज हैं, इसके अलावा आपने नसीम शाह को देखा होगा जिस तरीके से गेंदबाजी की है, तो बॉलिंग लाइनअप उनकी काफी एग्रेसिव है, काफी जबरदस्त यू नो आप कहेंगे कि गेंदबाज हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी उनके लीडर हैं और अगर वो नहीं खेलेंगे तो कम से कम उनको बड़ा झटका जरूर लगेगा। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है आने वाले 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचेस में, अगर तीसरे मैच में भी आपको शाहीन शाह अफरीदी खेलते हुए नजर नहीं आते नेदरलैंड्स के खिलाफ तो इट मे बी पॉसिबल हो सकता है कि उनको ब्रेक दिया जाए, उनको थोड़ा सा और लंबा समय अपने आप को रेस्ट करने को दिया जाए और हो सकता है कि जो 28 तारीख का मैच है अगेंस्ट इंडिया उसमें शाहीन शाह अफरीदी शायद खेलते हुए नजर नहीं आएंगे पाकिस्तान की टीम के लिए और पाकिस्तान को एक बड़ा झटका जो है वो लगेगा।